गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इन आर ईवीएस क्लास टुडे वी विल लर्न द फंक्शन ऑफ इंटरनल बॉडी पार्ट्स यसटरडे वी हैव लर्न दैट इन आर बॉडी देयर आर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड दे ऑल आर डिवाइडेड इनटू टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल हमारे जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको एक्सटर्नल और इंटरनल में डिवाइड किया जाता है इंटरनल मीन्स होता है जो हमारी बॉडी के इनसाइड अंदर होते हैं एंड वी कॉन्ड सी दैम और एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स होते हैं विच आर लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड वी कॉन्ट सी दैम एंड यस्टरडे वी ऑल्सो हैव लर्न द फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स कल हमने एक्सटर्नल बॉडी पार्ट के फंक्शन पढ़े थे एंड टुडे वी विल लर्न द फंक्शन ऑफ इंटरनल बॉडी पार्ट्स सो लेट्स स्टार्ट लेटस लर्न हाउ द इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी वर्क एंड फंक्शन दे परफॉर्म फर्स्ट है हार्ट एच ई ए आर टी हार्ट द हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन टू लंग्स इट पम्प्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी हार्ट जो है हमारी बॉडी में टू लंग्स के बीच में आपको लंग्स का भी पिक्चर इसके पास वाला जो पिक्चर है वो लंग्स का पिक्चर है दो लंग्स हैं और इसके बीच में हमारा हार्ट लोकेटेड होता है बीच में हमारा हार्ट होता है और जो हार्ट है इसका वर्क है इट पम्प्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी ये हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं डिफरेंट अलग अलग जितने भी पार्ट हैं उन पार्ट्स को ब्लड सर्कुलेट करता है ब्लड पहुँचाने का काम करता है हमारा हार्ट ओके नाउ सेकेंड लंग्स लंग्स अ पेयर ऑफ लंग्स आर लोकेटेड इन आर चेस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं लंग्स के पिक्चर कितने हैं ये दे आर इन टू दे आर टू इन नंबर ये दो हैं नंबर्स में और ये चेस्ट के अंदर होते हैं द रिप केज प्रोटेक्ट द लंग्स और ये जो आपको लंग्स दिखाई दे रहे हैं इनके चारों तरफ रिप केज होता है रिपकेज मनस हड्डियों का एक ढांचा केज जैसा होता है पिंजरा जो इनको प्रोटेक्ट करता है इनको बचा के रखता है इनको इनकी इनको हार्म से प्रोटेक्ट करता है बचाता है द लंग्स हेल्प टू ब्रीद इन फ्रेश एयर एंड ब्रिद आउट डट एयर और लंग्स का काम क्या होता है इनका वर्क होता है कि जो भी हम सांस एयर नोज के थ्रू अंदर लेते हैं बॉडी के अंदर उस उस एयर में से फ्रेश एयर को तो हमारी बॉडी के अदर पार्ट्स तक पहुंचाता है और जो डर्टी एयर होती है उसको ब्रिद आउट यानी बाहर निकालने का काम होता है लंग्स का तो क्लियर हो गया लंग्स का वर्क इट अस टू ब्रिथ इन फ्रेश एयर फ्रेश एयर को ब्रिथ इन यानी अंदर लेता है एंड ब्रिथ आउट डर्टी एयर और डर्टी एयर को ब्रिद आउट यानी बाहर निकालने का काम करते हैं लंग्स थर्ड एस टी ओ एम ए सी एच स्टमक द स्टमक स्टोर्स द फूड वी ईट स्टमक का काम होता है कि जो भी खाना हम खाते हैं उसको इकट्ठा कर लेना पेट के अंदर जाके इकट्ठा हो जाता है वो खाना इट ऑल्सो हेल्प्स इन चर्निंग एंड ब्रेकिंग डाउन फूड इसके अलावा जो खाना हमने खाया है उसको छोटे छोटे पीसेज में तोड़ने का काम भी स्टमक करता है इट दैन मिक्सिस द फूड विद जूसेज दैट हेल्प इन डाइजेशन और उसके बाद में हमारे स्टमक से जूस निकलता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है तो ये स्टमक का काम है वो जो फूड है और वो जो जूस स्टमक में होता है वो फूड और जूसेस दोनों मिक्स हो जाते हैं ताकि फूड इजीली डाइजेस्ट हो जाए नाउ फोर्थ लिवर एल आई वी ई आर लिवर पिक्चर में दिख रहा है द लिवर ऑल्सो हेल्प्स इन डाइजेशन स्टमक की तरह लीवर भी डाइजेशन में हेल्प करता है इट इज़ द बिगेस्ट ऑर्गन इनसाइड द बॉडी हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें से सबसे बड़ा बिगेस्ट ऑर्गन है हमारा लीवर ना फिफ्थ किडनीज़ पिक्चर में दिख रहा है बिल्कुल लंग्स की तरह हैं बट दे आर ऑल्सो इन टू इन नंबर ये भी नंबर्स में टू हैं दे आर आर ए पेयर ऑफ किडनीज़ इन आर बॉडी हमारी बॉडी के अंदर ये पेयर में होती है मतलब टू हैं और इनका वर्क होता है दे फिल्टर द वेस्ट आउट ऑफ द ब्लड इनका काम होता है ब्लड से जो भी वेस्ट है डर्ट है उसको साफ़ करना ये ब्लड से डर्ट और वेस्ट यानी गंदगी को साफ करती है नाउ सिक्स ब्रेन बी आर ए आई एन ब्रेन इंसाइड आर हैड इज द ब्रेन ब्रेन कहाँ होता है बच्चों इनसाइड द हैड हमारे सिर के अंदर द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन और ब्रेन के चारों तरफ ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का ओके okay? तो इसलिए इसका प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रेन के चारों तरफ स्कल एक स्कल यानी एक पेज, ए, केज जैसा होता है जो उसको बचा के रखता है द ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द बॉडी पार्ट्स एंड ऑल द एक्टिविटीज दे डू और ब्रेन का सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है कि ये पूरी बॉडी पे कंट्रोल करता है पूरी बॉडी के पार्ट्स को कंट्रोल करता है जो भी काम हम करते हैं वो ब्रेन के इंस्ट्रक्शन के बाद ही करते हैं ओके नाउ होमवर्क टुडे आई एम गिविंग यू द एक्सरसाइज नंबर बी एंड सी यू हैव टू डू एक्सरसाइज नंबर बी इन बुक एंड एक्सरसाइज नंबर सी इन योर नोटबुक बी जो एक्सरसाइज है वो आपको बुक में करना है और सी आपको नोटबुक में करना है ओके okay? बी में फर्स्ट है इट पम्प्स ब्लड ब्लड पम्प पम्प कौन करता है ब्लड को सर्कुलेट यानी पूरी बॉडी तो कौन पहुंचाता है राइट आंसर इज बी एच ए आर टी हार्ट नाउ सेकेंड इट हेल्प्स इन चर्निंग एंड ब्रेकिंग डाउन फूड फूड को तोड़ने में कौन हेल्प करता है स्टमक एस टी ओ एम ए सी एच स्टमक बी नाउ थर्ड दे आर फिंस सॉरी दे हैव फिंस फिंस किसकी बॉडी पे होते हैं एलिफेंट फिश या मंकी फिश फिश की बॉडी पे होते हैं फिंस जो उनको स्विमिंग में हेल्प करते हैं नाउ फोर्थ दे हेल्प अस टू ब्रिथ ये ब्रीदिंग में हेल्प यानी सांस लेने में हमको हेल्प करते हैं लिवर स्टमक या लंग्स लंग्स तो राइट आंसर इज सी नाउ फिफ्थ दीज हेल्प अस कीप हेल्दी ये हमको हेल्दी रखते हैं बिल्कुल फिट स्वस्थ रखते हैं जर्म्स वेजिटेबल की डर्ट वेजिटेबल्स राइट आंसर इज बी नाउ एक्सरसाइज नंबर सी फिल इन द ब्लैंक्स द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच आंसर इज गिवन इसमें आपको ये जो आपको छोटे छोटे स्मॉल बॉक्सेस दिए हुए हैं और क्लूज दिए हुए हैं पहले क्लूज़ को पढ़ना है आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है और फर्स्ट जो लेटर है वो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है तो फर्स्ट है इनसाइड आर हैड इज़ हैड के अंदर क्या होता है अभी हमने स्टडी किया brain. Spelling है ब्रेन स्पेलिंग लिखिए बी आर ए आई एन ब्रेन नाउ सेकेंड फीट हेल्प अस टू फीट हमको किस में हेल्प करते हैं टू एस से आ बनेगा एस टी एंड डी स्टैंड खड़े होने में एंड डब्ल्यू से बनेगा डब्ल्यू एल की वॉक मीन्स चलने में नाउ थर्ड आर फूड गोस टू द हमारा फूड कहाँ जाता है टू द एस से क्या आएगा स्टमक एस टी ओ एम ए सी एच स्टमक नाउ फोर्थ फिश ब्रिद द्रिद विद देअर फिशेज जो होती हैं मछलियाँ वो ब्रथ किससे करती है उनके नोज नहीं होती है दे हैव जी से बनेगा गिल्स जी आई डबल एल गिल और एस लगाएंगे गिल्स ब्रथ करने के लिए उनकी बॉडी पे गिल्स होते हैं जिनसे वो सांस लेती है नाउ फोर्थ बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज फ्लाई विद देयर जो बर्ड्स और बटरफ्लाइज आपने देखे हैं वो फ्लाई करते हैं विद देयर किससे डब्लू से बनेगा डब्लू आई एन जी एस विंग्स विंग्स यानी पंखों से वो उड़ते हैं तो दिस इज़ द होमवर्क फॉर टुडे ओके थैंक यू